तरह से सरकार के जिद्द के कारण शराबबंदी में ही सरकार का पूरा फोकस है, बाकी चीज़ में बिहार फिसड्डी हो रहा है। मोहल्ले मोहल्ले शराब बेचवाई, दुकान खुलवाई, हम लोग महागठबंधन की सरकार बनी तो शराबबंदी कानून लागू हुआ। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 40 याचिकाओं को खारिज की है शराबबंदी कानून को लेकर। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है 40 याचिका बिहार सरकार की, जो शराबबंदी को लेकर दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ दिन पहले ही टिप्पणी की थी शराबबंदी को लेकर बिहार में, कि ये दूरगामी सोच वाला फैसला नहीं है। तो शराबबंदी का क्या हश्र है बिहार में, ये सबको पता है। शराब नहीं पीना चाहिए, शराब गलत चीज़ है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार के जिद्द के कारण शराबबंदी में ही सरकार का पूरा फोकस है, बाकी चीज़ में बिहार फिसड्डी हो रहा है, तो माननीय न्यायालय के टिप्पणी के बाद, माननीय न्यायाधीश के टिप्पणी के बाद समीक्षा सरकार को पुनर्विचार करनी चाहिए। और वैसे भी पहले एनडीए की सरकार ने 10 वर्षों तक तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब बेचवाई, दुकान खुलवाई, हम लोग महागठबंधन की सरकार बनी तो शराबबंदी कानून लागू हुआ। जब तक हम लोग थे सरकार में तब तक सफल था। इसके बाद शराब माफियाओं, शराब तस्करों को संरक्षण सरकार का मिलने लगा तो ये धंधा फल फूल रहा है। तो अब सरकार की आंखें खुलनी चाहिए, सरकार को आईना दिखाया गया है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ गरीबों को ही इसमें परेशान किया जा रहा है। जहरीली शराब से लोगों की जानें भी जा रही हैं। शराबबंदी को लेकर माननीय न्यायाधीश के द्वारा जो टिप्पणी हुई है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सवाल तिवारी जी इसलिए खड़ा होता है क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन बिहार सरकार पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में कि वो ऐसे याचिका को लेकर जिनको बेल ना मिले उनको फिर से सजा बरकरार रहे, ऐसे में फटकार लगी है। इसीलिए तो हमने कहा कि इस पर तो आईना माननीय न्यायाधीश ने, माननीय न्यायालय ने दिखाया है सरकार को, और पहले भी मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि ये दूरगामी सोच वाला फैसला नहीं है। तो अब इसको लेकर के अब सरकार को आँख खोलना चाहिए और इस पूरे शराबबंदी अपने कानून की समीक्षा करनी चाहिए। देश की जुडिशरी में दबाव पड़ रहा है भाई, दबाव पड़ रहा है। ये तो जो माननीय न्यायालय के मंदिर में जो न्यायाधीश को उचित लगता है उसे वो कहते हैं, तो अब तो उनसे बड़ा तो सरकार को आँख खोलना चाहिए और इस पूरे शराबबंदी अपने कानून की समीक्षा करनी चाहिए। देश की जुडिशरी में दबाव पड़ रहा है भाई, दबाव पड़ रहा है। ये तो जो माननीय न्यायालय के मंदिर में जो न्यायाधीश को उचित लगता है उसे वो कहते हैं, तो अब तो उनसे बड़ा तो न्याय का मंदिर में न्यायालय के द्वारा, ये तो कोई राजनीतिक दल के द्वारा टिप्पणी आम लोगों के द्वारा की नहीं गई है, इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए। साफ तौर से आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, जिस तरीके से केंद्र में भाजपा की सरकार है और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी याचिका को लेकर, शराबबंदी कानून के लेकर जो भी लोगों पर सजा याफ्ता है उनकी 40 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और बिहार सरकार को एक आईना दिखाया है कि बिहार में शराबबंदी जैसे कानून की वजह से देश की कानून की न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा दबाव पड़ रहा है। कई सारे मामले जो है उन्हें समय रहते बेल नहीं मिल रही है और याचिकाएं अटकी रहती है अदालतों में। अब ऐसे में बिहार सरकार आगे इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को फटकार लगाई गई है। आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ, रमन राय पटना।